हेलो फ्रेंड्स, माय स्वीट होम एंड डेकोर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, चलिए आज बना लेते हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए हो या लंच के लिए, डिनर के लिए, किसी भी टाइम आप इसको बना सकते हैं, रागी सूप। तो चलिए इसे प्रिपेयर कर लेते हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रागी सूप। गर्मियों के मौसम में हल्का फुल्का नाश्ता करने का मन करे तो ऐसा सूप बना लेंगे तो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो चलिए इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने ले लिया है फ्रेंड्स यहाँ पर एक कटोरी रागी का आटा और इसको मैंने छान लिया है एक बार अच्छे तरीके से। और उसके बाद मैं इसको क्या करूँगी, पानी डालकर इसका एक घोल बना लेंगे ऐसे, ताकि जब हम सूप बनाएं तो इसमें गांठे ना बने। हमको अपनी जो हम खाते पीते हैं उसमें हमको रागी को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, बहुत ही हेल्दी है ये। और इस टाइप से सूप में पियेंगे तो बहुत ही अच्छा हल्का फुल्का महसूस होगा और जो डाइट करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। देखिए अब ये मिक्स हो चुका है, अब इसको हम दे देंगे ये बहुत ही अच्छा सा तड़का। तो हम एक पैन ले लेंगे, इसमें हम डाल लेंगे, मैं डाल रही हूँ यहाँ पर एक टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा घी। तो जैसे ही घी गर्म होगा हम इसमें डाल लेंगे जीरा। जीरा हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। तो जीरा डालने के बाद मैं इसमें डाल लूँगी बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और एक छोटा टुकड़ा अदरक का, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है मैंने। इसके बाद हम डाल लेंगे इसमें पुदीना, फ्रेश पुदीना है ये, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें पुदीना डालने से। और इसको एक बार फ्राई कर लेंगे। तो अब मैं थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी, थोड़ा सा, ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए हमारे सूप में। ये रागी को जो हमने वाटर में मिक्स किया था ये हम इसमें ऐड कर देंगे और उसी में और पानी डालकर हम जितना आपको पतला पसंद है आप उतना इसमें डाल दीजिए। तो अब हम इसमें डाल लेंगे एक चुटकी काली मिर्च, एक चुटकी भर, और डाल लेंगे हम इसमें नमक स्वाद अनुसार, इन सबको मिक्स कर लेंगे और इसको उबाल आने तक हम धीमी आंच पे पका लेंगे। इतना टेस्टी लग रहा है देखिए, धीरे धीरे ये थोड़ा थिक होगा जब तक ये पकेगा।
जैसा कि हम कुछ भी खाते रहते हैं घर में बैठकर, तो अगर हम वीकली वंस इस तरीके से अपने डाइट में कोई भी एक सूप ऐड कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी रिलैक्स होगा थोड़ा हमारा बॉडी। तो चलिए इसको हम उबाल आने तक पका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से हो गई है। अभी अच्छी तरीके से उबाल आ चुका है और ये पक चुका है। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रागी सूप तैयार है फ्रेंड्स। अगर आपको थोड़ा और पतला चाहिए तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, तैयार है हेल्दी एंड टेस्टी रागी सूप। आप भी ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स। समर में हो या विंटर में, किसी भी टाइम हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं और बॉडी के लिए ये बहुत ही हेल्दी है। और ब्रेकफास्ट में और लंच में या डिनर में हम किसी भी टाइम इसको बना सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो मिलते हैं फिर अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।